प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया। बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 10 तरंग प्रकाश की का तीसरा भाग का अध्ययन करेंगे। भाग 1 और भाग 2 का आपने अध्ययन कर लिया है। भाग 1 में हाइगंस के सिद्धांत को देखा और हाइगंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या की। भाग 2 में तरंगों का कला संबंध तथा कला असंबंध योग क्या होता है और प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग के प्रयोग को जाना और समझा। हमने वहाँ पे देखा कि जब एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के उपरांत प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदु पे बहुत ही कम होती है, शून्य होती है, तो कुछ बिंदु पे बहुत ही अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा कि किस प्रकार एक सिंगल सोर्स से दो कला संबंध स्रोत प्राप्त करते हैं और दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता क्या होती है। हमने व्यतिकरण के बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरण देखे। उसी क्रम में हम आज एक ऐसी परिघटना का अध्ययन करने वाले हैं जिनके अनेकों उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम विवर्तन का अध्ययन करते हैं। एक बार देख लें हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश के विवर्तन के बारे में जानेंगे, फिर विवर्तन के प्रकार के बारे में जानेंगे और एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न क्या होता है उसको जानेंगे और समझेंगे और लास्ट में हम व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर तथा समानता को देखेंगे। बच्चों, मैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको व्यवहारिक जीवन के उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बच्चों, आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति एक दीवार के एक साइड खड़ा है और दूसरे साइड अगर रेडियो, टेलीविजन, कुछ इस प्रकार के ध्वनि स्रोत है तो उसको उस ध्वनि सुनाई देती है, या किसी रूम में अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है और कमरे के बाहर कोई खड़ा है तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा। यदि कोई अंधेरा कमरा है, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, बहुत ही डार्क रूम है, तो रूम के दरवाजे से कुछ प्रकाश को इस प्रकार आते हुए ऐसे पैटर्न प्राप्त होते हैं और आप इससे भलीभांति परिचित हैं, देखा होगा, जाना होगा। अंधेरा कमरा है, खिड़की दरवाजे बंद हैं, प्रकाश का किसी डोर के कीहोल से आते हुए आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि ये देखिए प्रकाश तरंगे मुड़ रही हैं। इससे आप भलीभांति परिचित हैं। सीडी, कभी आपने सोचा है कि सीडी पे इंद्रधनुष के समान ये रंग बिरंगे रंग क्यों दिखाई देते हैं? यदि कोई जल स्रोत है, उसमें धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, उस स्रोत के बीच में, उस धारा रेखीय प्रवाह के बीच में यदि कोई अवरोध है तो अवरोध के पास कुछ तरंगे इस प्रकार की दिखाई देती हैं, गोलीय तरंगाग्र देखने को मिलता है। ये आप अवश्य देखे होंगे। और ये देखिए कितने सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है जो हर कोई देखता है। आखिर इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? जी हाँ, इन सभी घटनाओं के पीछे जो कारण है वो है विवर्तन। बच्चों, विवर्तन एक सामान्य अभिलक्षण है जो सभी प्रकार के तरंगों, चाहे वो प्रकाश तरंग हो, ध्वनि तरंग हो, जल तरंग हो या द्रव्य तरंग हो, सभी तरंगों में दिखाई देता है। अभी आपने जितनी घटनाएं देखी, क्या था तरंग, क्या हो रहा था कि वो क्षेत्र या अवरोध पे मुड़ जा रही थी। क्षेत्र या अवरोध के किनारों पे तरंगों का आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। विवर्तन में एक आवश्यक शर्त ये होती है कि क्षेत्र या अवरोध है उसका जो साइज होना चाहिए वो तरंग दैर्ध्य के कोटि का होना चाहिए। ये आवश्यक शर्त होता है विवर्तन का। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है
वो होता है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक, जो कि सामान्य अवरोधों की तुलना में, उसके विस्तार की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म होता है। जबकि ध्वनि तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सामान्य अवरोध होते हैं, उनके विस्तार की कोटि का होता है। इसीलिए ध्वनि तरंगों में सामान्य घटनाओं में प्रबल विवर्तन देखने को मिलता है, जबकि प्रकाश में प्रबल विवर्तन सामान्य घटनाओं में देखने को नहीं मिलता। जो दैनिक जीवन है उसमें ये प्रकाश का प्रबल विवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि यदि कोई ऊंचा दीवाल है, ऊंची चौड़ी, उस दीवाल के एक साइड कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, कोई बोल रहा है, तो दीवाल के दूसरे साइड उसकी आवाज़ जाती है। लेकिन उसी दीवार पे अगर आप टॉर्च जलाएं तो प्रकाश क्या दूसरे साइड पहुंचेगा? तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि उस वॉल में कोई छिद्र, कोई झरोखा, कोई विंडो ना हो। तो बच्चों, आइए आज हम अपना जो टॉपिक है सबसे पहला प्रकाश का विवर्तन, उसको देखते हैं। अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई अपारदर्शी कार्डबोर्ड है, उस पर एक छोटा सा छिद्र बनाया गया है उस तरंग दैर्ध्य का, कोटि का, इस पर प्रकाश आपतित हो रही है। चूंकि समतल तरंगाग्र है, प्रकाश आगे बढ़ेगा और प्रकाश का काफी हिस्सा इस अवरोध के जो अपारदर्शी भाग है उसके द्वारा रोक दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, और प्रकाश का कुछ ही भाग है जो कि ये आगे जाएगा। जैसे ही तरंगाग्र इस छिद्र पे पहुंचेगा, छिद्र पे स्थित प्रत्येक बिंदु हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, क्योंकि छिद्र बहुत सूक्ष्म है, एक बिंदु स्रोत की तरह कार्य करेगा और बिंदु स्रोत से जो तरंगाग्र निकलती हैं वो तरंगाग्र क्या होती हैं? गोलीय तरंगाग्र होती हैं। देखिए, अब जो तरंगाग्र गोली होगा तो जो तरंग संचरण की दिशा होती है तरंगाग्र की लंबवत होती है, तो कुछ इस तरह होगी। यहाँ पे जो समतल तरंगाग्र था तो इस पे जो तरंग संचरण की दिशा थी कुछ ऐसे थी। अब आप देखिए कि यहाँ तरंगे सीधे हैं और यहाँ से क्या होता है, एक एंगल पे ये मुड़ गई है, अर्थात तरंग छिद्र के किनारों पे मुड़ रही हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे आप छिद्र को थोड़ा बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि जो तरंगे हैं कुछ इस तरह ये जो तरंग संचरण की जो दिशा है आप देखिए, इसमें तरंगों का मुड़ना थोड़ा कम हो गया है, जबकि यहाँ पे तरंगे ज्यादा मुड़ रही थी। अर्थात जब अपर्चर छोटा है, स्मॉल छिद्र है, तो हाई लेवल डिफ्रेक्शन प्राप्त होता है, प्रबल विवर्तन प्राप्त होता है, और जब लार्ज अपर्चर है, छिद्र बड़ा है, तो लो लेवल डिफ्रेक्शन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं विवर्तन के प्रकार। विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेनल विवर्तन और एक होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और ये पर्दा जिसपे की विवर्तन पैटर्न प्राप्त करना है, विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पे होते हैं। जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा, या प्रकाश स्रोत या पर्दा में से कोई एक, इस विवर्तनकारी अवरोध से अनंत दूरी पर होते हैं ये जो अवरोध है, और इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, विवर्तन के प्रकार आपने देख लिया, आइए विवर्तन को और अच्छे से जानते हैं। हम लेते हैं एकल झिरी, सिंगल स्लिट। जब यंग्स के प्रयोग में डबल स्लिट को एक सिंगल स्लिट से रिप्लेस किया गया तो कुछ इस प्रकार का ब्रॉड पैटर्न प्राप्त होता है। आप देखिए, केंद्र में जो दीप्त क्षेत्र प्राप्त होता है, केंद्र में एक दीप्त क्षेत्र प्राप्त होता है जिसके दोनों तरफ दीप्त तथा अदीप्त क्षेत्र क्रम से प्राप्त होते हैं, जिनकी तीव्रता केंद्र से दूर जाने पर घटती है। ये जो केंद्र का दीप्त क्षेत्र है जिसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, इसे केंद्रीय उच्चेष्ट या मुख्य उच्चेष्ट, सेंट्रल मैक्सिमा
या प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं, जो उसके किनारों पे ये जो दीप्त क्षेत्र प्राप्त है जिसकी तीव्रता इस केंद्रीय उच्चिष्ट से घटती जाती है उसको सेकेंडरी मैक्सिमा या द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। अदीप्त क्षेत्र को मिनिमा या निम्निष्ट कहते हैं। बच्चों, ये सेकेंडरी मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा की ये स्थिति कैसे प्राप्त हो रही है इसके समझने के लिए हम एलन एक ए चौड़ाई का एक झिरी लेते हैं जिसका मध्य बिंदु M है। बिंदु M से झिरी के तल के लंबवत में एक रेखा खींचते हैं जो पर्दे पे सी बिंदु पर मिलती है। अब झिरी के किनारों से जो L है और N से है, जो भी तरंगिकाएं बिंदु C पे जाएंगी उसमें पथांतर शून्य होगा और इस प्रकार कलांतर भी शून्य होगा। इस प्रकार जो तरंगिकाओं का जो बिंदु C पे अध्यारोपण होगा वो संपोषी होगा और तीव्रता वहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब हम C बिंदु से ऊपर एक बिंदु P लेते हैं जिस पे हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पे पथांतर क्या होगा। तो आप देखिए, एक L से P को तरंग जा रही है और एक N से P को तरंग जा रही है, उनके बीच में पथांतर क्या होगा वो हो जाएगा NP-LP। NP और LP का डिफरेंस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम L से Q पर एक लंब डालें। ये देखिए, सपोज करिए ये स्लिट है, ये है L पॉइंट, ये है L। LN एक स्लिट है और इससे ये तरंगिकाएं बिंदु P तक जा रही हैं। ये थीटा एंगल है। L से NP पर एक अभिलंब ड्रॉ किया और ये हो गया Q। और ये जो है ये स्लिट की चौड़ाई कितनी है, A है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। चूंकि ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये देखिए अगर यहाँ से हम इसको मिला दें तो ये जो है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको आप लिख सकते हैं ये एंगल थीटा। अब त्रिभुज एल एन क्यू से, त्रिभुज एल एन क्यू से आप देखिए साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है एन क्यू और कर्ण क्या है एल एन, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू एन क्यू अपान एल एन, और ये हो जाएगा आपका एल एन साइन थीटा इजकल टू एन क्यू, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। किसकी वैल्यू, एन क्यू की वैल्यू जो आएगी वो ए साइन थीटा, इसलिए हम एन क्यू की जगह ए साइन थीटा यहाँ पे पुट करते हैं। लघु मान के लिए, थीटा के लघु मान के लिए हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो ये पथांतर जो हो गया वो हो गया ए थीटा। अब इसी प्रकार यदि स्लिट में कोई दो बिंदु हूँ, ये है M1 और ये है M2, और M1 और M2 से इस बिंदु पे पथांतर क्या होगा, ऐसे ही हम देखेंगे तो पथांतर हो जाएगा M2P माइनस M1P इक्वल टू Y थीटा। बच्चों, प्रायोगिक प्रेक्षण के आधार पे ये देखा गया कि केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए थीटा जीरो होता है। आप देख सकते हैं कि अगर जब ये थीटा जीरो होगी, मतलब जो भी तरंगिकाएं हैं बिंदु सी की ओर जा रही हैं, तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त होगी। ये केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए था। निम्निष्ट के लिए, मिनिमा के लिए थीटा इजकल टू प्लस माइनस एन लेमडा बाई ए, जहां एन क्या है 1 2 3 4। अगर हम एन इजकल टू 1 रखते हैं इसमें, आप देखिए अगर n की वैल्यू हम वहां पे 1 रखें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस लेमडा बाई ए। ऐसे ही अगर n की वैल्यू हम 2 रखें तो यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस 2 लेमडा बाई ए। ऐसे ही 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 3 लेमडा बाई ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लेमडा बाई ए पे मिनिमा क्यों प्राप्त हो रहा है, ये कैसे हम समझें। तो हम इसको ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सामान्य तर्कों के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये देखिए झिर्री एलएन से जो तरंगे बिंदु पी पे पहुंचती है, मान लीजिए उनके बीच का जो पथांतर है वो है
इनके बीच का जो पथांतर है वो है लेमडा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं एन पी माइनस एल पी इजकल टू लेमडा। और हम एन पी माइनस एल पी की वैल्यू निकाले थे ए साइन थीटा इजकल टू लेमडा, या अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही कम है तो हम लिख सकते हैं ए थीटा इजकल टू लेमडा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है लेमडा बाई ए। अब हम इस स्लिट एल एन में इसका एक मध्य बिंदु लेते हैं एम, तो ये हो जाएगा एल एम इजकल टू क्या हो जाएगा ए बाई टू, और एम एन इजकल टू हो जाएगा ए बाई टू, क्योंकि एल एन का ये मध्य बिंदु एम है। अब किसी भी किनारे से निकलने वाली तरंगे और मध्य बिंदु से जो तरंगे बिंदु पी पे जाएंगी उनके बीच जो पथांतर होगा वो भी हो जाएगा लेमडा बाई टू, क्योंकि यहाँ पे पथांतर लेमडा है। पहले हाफ एल एम और दूसरे हाफ एम एन में दो बिंदु लिखते हैं एम वन और एम टू, और जिनके बीच की दूरी है ए बाई टू। अब हम देखते हैं कि M1 और M2 से निकलने वाली तरंगे जो बिंदु P पे जा रही हैं उनके बीच पथांतर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं M2P माइनस M1P इजकल टू Y थीटा। यहाँ पे Y क्या है M1 M2P के बीच की दूरी, उसको हम लिखेंगे A बाई टू, और थीटा क्या है यहाँ से लेमडा बाई A। और यहाँ से आप देखिए जो पथांतर होता है वो होता है लेमडा बाई टू। अब इस पथांतर के लिए कलांतर क्या होगा फाई, और ये होता है टू पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर से x, पथांतर है यहाँ पे टू पाई अपान लेमडा, और ये यहाँ पे पथांतर है लेमडा बाई टू। और यहाँ से देखिए तो जो फेज डिफरेंस आता है पाई, अर्थात M1 और M2 से जो तरंगे बिंदु P पे मिल रही हैं वो 180 डिग्री के कलांतर पे मिल रही हैं, अध्यारोपण विनाशी हो रहा है और वहाँ पे हमें तीव्रता शून्य मिलेगी। हम अगर LM में प्रत्येक ऐसा बिंदु ले, जैसे L के नीचे एक बिंदु ले, तो M के नीचे यहाँ पे एक बिंदु होगा जिसके बीच की दूरी होगी A बाई टू, क्योंकि LM और MN बराबर हैं, LN का मध्य बिंदु M है। इस प्रकार LM में स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए MN में एक ऐसा बिंदु होगा जिसके बीच की दूरी A बाई टू होगी, और उन दोनों बिंदुओं के कारण जो बिंदु P पे अध्यारोपण होगा वो विनाशी होगा, 180 डिग्री कलांतर पे मिलेंगे और तीव्रता शून्य होगी। इसी प्रकार पूरे स्लिट के द्वारा जो भी तरंगों के जो अध्यारोपण बिंदु P पे होगा वो शून्य होगा, मिनिमम होगा, वहाँ पे तीव्रता जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो मिनिमम होगी। ये था जब हम स्लिट का जो वृत्त लिए थे A था और पथांतर हम लेमडा लिए थे। अब हम मानते हैं कि अब हम ऐसा मानते हैं कि LN से निकलने वाली जो तरंगे हैं से ये एल एन है, और ये किसी ऐसे बिंदु पे मिल रही है जिसके बीच का जो पथांतर हो जाता है वो होता है टू लेमडा। ये टू लेमडा पथांतर है इस एल एन से निकलने वाले किसी बिंदु पे जा रहा है जहाँ पे टू लेमडा पथांतर हो जा रहा है, अर्थात एन पी माइनस एल पी यहाँ पे हो जाएगा टू लेमडा, और यहाँ से आप देखेंगे थीटा आ जाएगा टू लेमडा बाई ए। अब इस 2 लेमडा बाई ए पे जो तरंगे किसी बिंदु पे जा रही हैं, मान लीजिए वो ए है, वहाँ पे पथांतर क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए हम इसको चार बराबर भागों में बांट देते हैं इस स्लेट को। ये हो जाएगा देखिए तो ए बाई फोर, ये ए बाई फोर, ये हो जाएगा ए बाई फोर, और ये भी हो जाएगा ए बाई फोर। अब हम केवल ये दो भाग को लें तो इसके बिंद में कोई बिंदु दो बिंदु ऐसे लें, ये पहले हाफ और दूसरे हाफ, पहले पोर्शन और दूसरे पोर्शन में दो बिंदु ऐसा लें जिसके बीच की दूरी a बाई फोर हो, तो पथांतर क्या हो जाएगा a बाई फोर, और यहाँ पे एंगल है टू लेमडा बाई ए,
और यहाँ से आप देखेंगे जो पथांतर एक्स आ रहा है, एक्स इक्वल टू ए बाई फोर इंटू टू लेमडा बाई ए, और ये हो जाएगा लेमडा बाई टू। अर्थात इन दोनों पोर्शन से अगर दो बिंदु उसके बीच में लिए और वो किसी बिंदु ए पे मिल रहा है, तो वहाँ पे भी जो पथांतर है लेमडा बाई टू है, उसके कारण जो अध्यारोपण होगा विनाशी होगा और वहाँ पे तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। उसी तरह इन नीचे वाले दो भागों के कारण भी उस बिंदु ए पे पथांतर जो होगा लेमडा बाई टू होगा और जो तीव्रता होगी शून्य होगी। ओवरऑल पूरे स्लिट के कारण बिंदु ए पे तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर हम पथांतर 3 लेमडा लेते हैं, 4 लेमडा लेते हैं, तो जो देखेंगे जो भी उसका जो अध्यारोपण होगा उसके कारण तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं मिनिमा के लिए जो होना चाहिए, जो कंडीशन होती है वो होती है ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। यही डिफ्रेक्शन के मिनिमा के लिए कंडीशन होती है, जहाँ पे एन आप 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, तो इसके लिए प्रायोगिक परीक्षण दर्शाते हैं कि थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन प्लस 1/2 लेमडा बाई ए है, जहां एन 1, 2, 3, 4 है। थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 3 लेमडा बाई 2 ए है। देखिए आप यहाँ पे एन की जगह 1 पुट करेंगे तो जो पहला एंगल प्राप्त होता है वो 3 लेमडा बाई 2 ए है, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों साइड होगा। एक प्लस 3 लेमडा बाई 2 ए होगा, एक तरफ माइनस 3 लेमडा बाई 2 ए होगा। ऐसे ही एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 लेमडा बाई 2 ए है, और ऐसे ही 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 7 लेमडा बाई 2 ए होगा। इस प्रकार जब हम तीव्रता और ये जो कोण में जो एंगल है उस पर ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए जब थीटा 0 है तो मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, लेमडा बाई ए है तो निम्निष्ट प्राप्त हो रहा है, फिर 2 लेमडा बाई ए है तो भी निम्निष्ट प्राप्त हो रहा है, और जो सेकेंडरी मैक्सिमा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा वो लेमडा बाई ए और 2 लेमडा बाई ए के बीच में है, अर्थात 3 लेमडा बाई 2 ए। इसी प्रकार ये हमें ग्राफ प्राप्त होता है। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम स्लिट को जो फर्स्ट एंगल है कि थीटा अगर लेते हैं प्लस माइनस 3 लेमडा बाई 2 ए, और इस स्लिट को अगर हम 3 बराबर भागों में बांट देते हैं, ये हो जाएगा ए बाई 3 ए बाई 3। जब प्रथम दो भाग को लेंगे और किसी बिंदु पे जो कि जहाँ पे ये तरंगे 3 लेमडा बाई 2 ए से उस कोण पे अध्यारोपित हो रही हैं, उस पे हम देखेंगे कि इस दो पोर्शन के द्वारा क्या होती है तीव्रता। तो आप देखिए ये हो जाएगा ए बाई 3, अगर कोई भी बिंदु जिसके बीच की दूरी ए बाई 3 हो वो, इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू अगर हम ले लें 3 लेमडा बाई 2 ए, तो यहाँ से जो हो जाएगा वो लेमडा बाई 2 होगा। फिर उस बिंदु पे इस दोनों पोर्शन के कारण जो अध्यारोपण होगा उसके कारण जो तीव्रता प्राप्त होगी मिनिमम होगी, शून्य होगी। बस 1/3 जो स्लिट का 1/3 भाग है उसके कारण वहाँ दीप्त क्षेत्र प्राप्त होगा, और इसलिए मैक्सिमा से द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता कम होती है। जब हम एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो 5 लेमडा बाई 2 ए होगा, और उस केस में जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम स्लिट को 5 बराबर भाग में बांट के देखेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे बस 5वां भाग तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार केंद्रीय उच्चिष्ट से जो तीव्रता होगी वो कम होती जाएगी। अब हम केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो माइनस लेमडा बाई ए से लेमडा बाई ए तक है, तो हम यहाँ से केंद्रीय उच्चिष्ट हो जाएगा वो 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 लेमडा बाई ए, और केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रैखिक चौड़ाई हो जाएगी वो उसमें अगर हम पर्दे की स्लिट से दूरी d है मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 2 लेमडा बाई ए इंटू डी, और अगर स्लिट के पास कोई एफ फोकस फोकल लेंथ की कोई लेंस है तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन ए इंटू एफ। बच्चों आपने सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा,
अब हम आते हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पे। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपने डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, वहां पे हमने डिफ्रैक्शन को इग्नोर किया क्योंकि स्लिट जो थी बहुत ही नैरो थी, डिफ्रैक्शन को हमने इग्नोर किया। लेकिन हम बात करते हैं जब डबल स्लिट डिफ्रैक्शन की, तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो दो स्लिट थी, दोनों स्लिटों से डिफ्रैक्शन, तो जैसे अगर ये दो स्लिट है S1 S2, तो इसके कारण अलग अलग S1 और S2 के कारण जो S1 से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी उसके अध्यारोपण से डिफ्रैक्शन प्राप्त होगा। मतलब अलग अलग स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न तो प्राप्त ही होगा, साथ ही साथ ये दोनों स्लिट के से जो तरंगे निकलेंगी उसके अध्यारोपण से इंटरफेरेंस पैटर्न भी प्राप्त होगा। तो जो रिजल्टेंट जो हमें पैटर्न प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। अगर आप इसका आवरण देखें तो ये क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और इसके बीच के जो फ्रिंज है वो क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। वास्तव में जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे होना चाहिए था अगर केवल हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से ये पोर्शन, ये जो आवरण हमें, ये जो वास्तविक द्विध्रुवी पैटर्न प्राप्त होता है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। बच्चों इस विवर्तन शीर्ष में कितने ये व्यतिकरण फ्रिंज होंगे उसका एक फार्मूला होता है D/A। अगर A की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है A की वैल्यू, तो ये व्यतिकरण फ्रिंजों की संख्या अधिक मिलती है और जो ये पैटर्न प्राप्त होगा, मतलब विवर्तन पैटर्न होगा, वो समतल होगा। तो आपने डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पढ़ लिया, आगे हम देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। व्यतिकरण में जो पैटर्न कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ था और विवर्तन में कैसा, ऐसे। तो व्यतिकरण में जो अंतर सबसे पहला है कि व्यतिकरण पैटर्न में सभी दीप्त फ्रिंजे एक ही तीव्रता की होती हैं, जबकि विवर्तन पैटर्न में उत्तरोत्तर फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है। व्यतिकरण पैटर्न में समान अंतराल पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज बैंड प्राप्त होते हैं, जबकि विवर्तन पैटर्न में एक केंद्रीय उच्चिष्ट होता है जो द्वितीयक उच्चिष्ट से ये चौड़ा होता है। व्यतिकरण पैटर्न दो संकीर्ण झिर्रियों से निकलने वाले दो तरंगों के अध्यारोपण के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि विवर्तन पैटर्न एक ही झिर्री या एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। ये था व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण तथा विवर्तन में एक समानता भी है। व्यतिकरण तथा विवर्तन में प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यदि यह अदीप्त फ्रिंज उत्पन्न करते समय एक क्षेत्र में घटती है तो दीप्त फ्रिंज उत्पन्न करते समय दूसरे क्षेत्र में बढ़ती है। ऊर्जा में कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती, जो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। तो बच्चों आपने व्यतिकरण और विवर्तन दोनों पढ़ लिया है, विवर्तन के बारे में आपने अध्ययन किया। आशा करते हैं कि जो भी उदाहरण मैंने आपको दिया था आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लिया होगा, और हमारा जो उद्देश्य था कि आप व्यवहारिक जो एग्जाम्पल्स हैं उसको समझ सकेंगे, व्यतिकरण तथा विवर्तन को आप उसमें अंतर और समानता को अब समझ सकते हैं। तो अगर आपने समझ लिया है तो ये होमवर्क है, इसको आप अवश्य करिएगा और देखिए, समझिए और करिए। नेक्स्ट जो हमारा भाग है उसमें हम रिजॉल्विंग पावर के बारे में बताएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कि उनकी विभेदन क्षमता क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे।